ट्यूब के बारे में बात करनी थी। ट्यूब 3 जो अभी 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लगभग 200 जो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हैं। आपको भी उन्होंने पकड़ लिया है ना? नहीं सर, खबर है, पकड़ के लिया सर, खबर नहीं सर, आप सुनिए सर। पहले बिहार के भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसके HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग की एक प्रोफेसर हैं। अगर मैं कहूँ ये एक जोक है तो आप मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ये हकीकत है तो आप शायद नीतीश सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम गूगल करने लगेंगे। खैर, मेरा नाम तंजील आसिफ है और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD मणिकांत मंडल हैं और पिछले 4 सालों से वो बतौर HOD कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं। और इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 30 सितंबर के बाद एक भी टीचर नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, 30 सितंबर के बाद इस कॉलेज में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी कोई टीचर नहीं बचेगा। इसी तरह मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा में सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय का कोई भी टीचर नहीं बचेगा। आप सोच रहे होंगे 30 सितंबर को आखिर क्या होने वाला है। दरअसल देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत सुधारने के लिए 1 फरवरी 2017 को भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का फेज 3 यानी TQ3 की शुरुआत की गई। इसी TQ3 के तहत बिहार के साथ देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की गई। इसमें बिहार के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 205 असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल हैं। इन 205 असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। बिहार के ये 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इन 7 कॉलेजेस में अभी 347 प्रोफेसर्स हैं और इन 347 प्रोफेसर्स में से 205 TQ3 वाले हैं, यानी अगर ये टीचर्स कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं तो लगभग 60% टीचर्स निकाल दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन 7 कॉलेजेस में पहले से ही टीचर्स की कमी है। अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स निकाल दिए जाते हैं तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1100 स्टूडेंट्स के लिए 52 की जगह सिर्फ 15 टीचर्स बचेंगे। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1400 स्टूडेंट्स के लिए 71 की जगह सिर्फ 42 टीचर्स बचेंगे। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 960 स्टूडेंट्स के लिए 51 की जगह सिर्फ 34 टीचर्स बचेंगे। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1023 स्टूडेंट्स के लिए 40 की जगह सिर्फ 13 टीचर्स बचेंगे। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1107 स्टूडेंट्स के लिए 46 की जगह सिर्फ 12 टीचर्स बचेंगे। लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा में 960 स्टूडेंट्स के लिए 41 की जगह सिर्फ 14 टीचर्स बचेंगे। और नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1031 स्टूडेंट्स के लिए 42 की जगह सिर्फ 12 टीचर्स बचेंगे। इस मामले का दूसरा पहलू ये भी है कि 30 सितंबर के बाद देश भर में लगभग 1500 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बेरोजगार हो सकते हैं और इसी डर से बिहार के 7 कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर्स 4 सितंबर से हड़ताल पर हैं। यानी 5 सितंबर को जब आप टीचर्स डे की शुभकामनाएं अपने टीचर्स को दे रहे थे, ये टीचर्स हड़ताल पर बैठे थे। ये विकसित बिहार की विडंबना है कि आज शिक्षक दिवस के दिन हम सभी शिक्षक धरने पे बैठे हैं। जैसा LMJPIT के 27 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुल बिहार के 7 प्रौद्योगिक संस्थान से 205 असिस्टेंट प्रोफेसर 4 तारीख से ही धरने पे बैठे हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे हुए ओपन सिलेक्शन के थ्रू 2018 जनवरी में ज्वाइन किया था और उस समय बिहार सरकार और MHRD के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसके तहत प्रोजेक्ट के अंत में बिहार सरकार को हमारा रिटेंशन करना था। 30 सितंबर को 2020 में हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
ऐसे में हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मोतिहारी अभियंतर महाविद्यालय में 3 और कॉलेज चल रहे हैं, बेतिया, सीमर और मधुबनी, और उनकी क्लास भी मोतिहारी अभियंतर महाविद्यालय के टिक्कू फैकल्टी ही लेती थी, जो कि आजकल ऑनलाइन क्लास उनका भी नहीं हो रहा है। मतलब मोतिहारी सहित 3 और कॉलेज, मतलब लगभग 1500 विद्यार्थियों का पठन पाठन कार्यक्रम जो ऑनलाइन होता था वो बंद है। यही मांग है कि जल्दी से हम लोगों का सेवा का विस्तार दिया जाए, एक्सटेंशन दिया जाए, रिटेंशन दिया जाए। जनवरी 2018 में इन असिस्टेंट प्रोफेसर की तारीफ में तब के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा था, ये हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, पीएचडी फैकल्टी हैं, इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस में पहले कोई भी पीएचडी फैकल्टी नहीं था। ऐसे में सवाल ये है कि फिर इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिटेन क्यों नहीं किया जा रहा है। टीक्यूब 3 का जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान यानी पीआईपी है, उसके पेज नंबर 95 में प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद यानी 3 साल के बाद वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी को रिटेन करने की बात कही गई है, लेकिन इसमें आरक्षण सबसे बड़ा अड़चन बन रहा है। दरअसल 2017 में हायरिंग के वक्त राज्यों की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया और अब नीतीश सरकार इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलर करने से डर रही है। बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा से हमने इस बारे में बात की। टिक्यूब 3 जो अभी 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लगभग 200 जो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हैं, मतलब आपको भी उन्होंने पकड़ लिया है ना? नहीं सर, खबर है, पकड़ के लिया खबर। नहीं सर, आप सुनिए तो सर, पहले सर जो हमारे सवाल है सर कि 30 सितंबर को उनका सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके कोई फैकल्टी ही, कोई टीचर ही नहीं बचेगा, तो सर कैसे चलेगा फिर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है ना ये, तो नहीं नहीं कहाँ से हुआ है सर? जो पीआईपी है, जो पीआईपी जो ड्राफ्ट है उसका, उसमें पेज नंबर 95 पे क्लियरली लिखा है कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट रिटेन करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये से जो रिटेन वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी को रिटेन करेगी, अगर रिटेन नहीं करेंगे। 177 एक चीज ये बताइए, 177 कॉलेजेस में जी, हम तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो मतलब इतना वो हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं जी, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी, कि जितना बेसब्र हो रहे हैं उनको सब्र भी करना चाहिए, एक चीज। दूसरा है कि दे आर अपॉइंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है और उनके कॉन्ट्रैक्ट का रेट अलग अलग है, एक। दूसरा, उनको हम लोगों ने परमिशन दे दिया है ये इसके लिए, क्या नाम है, बीपीएससी में जो वेटेज मिलता है, पहले उनको नहीं मिलता था जी। वो तो मेरा ही प्रयास से और हम ही ने करवाया, उनका वेटेज हमने करवा दिया तो दे गए। दूसरा चीज है कि 30 सितंबर अभी पॉसिबल है कि एक्सटेंशन हो जाए, जो हमको सूचना है कि एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ तक है, बट अभी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टिक्विक 3 के एक्सटेंशन का वो आया नहीं है, फाइल इज अंडर प्रोसेस एंड अब क्या होगा ये तो हम कुछ नहीं कह सकते आज की डेट में। ओके सर, जहाँ तक उनके कॉन्ट्रेक्चुअल उसकी बात है, इट इज टू बी टेक, ये 177 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया और सभी कॉलेजेस का एक ही तरह का निर्णय होगा। अभी तक किसी भी स्टेट ने इसको वो नहीं किया है, इनको मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया है, ठीक है ना? और अभी हमारा जो है वैकेंसीज आजकल निकल ही रहा है सर, हमको लगता है कि 6 महीना 8 महीना में सबका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। तो 6-8 महीने सर कॉलेजेस कैसे चलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो निकलेगा अगर, तो उसमें ये अप्लाई करें। अच्छा, ये फिर से मतलब इनको हायर किया जाएगा दोबारा, वो अप्लाई करें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको नहीं हायर करूंगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में निकलेगा जो अप्लाई करेंगे उनको हायर किया जाएगा, मैं तो सबको हायर करा दूंगा। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें रिजर्वेशन जो होता है गवर्नमेंट का, उसको अनुपालित नहीं किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें 80% से ज्यादा लोग जो है, जैसी मेरी सूचना है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 80% से ज्यादा जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। नहीं सर, जो वेल परफॉर्मिंग वाला जो क्राइटेरिया है वो इसको फुलफिल कर रहे हैं ज्यादातर टीचर, ज्यादातर फैकल्टी कर रहे हैं। उनसे पूछना पड़ेगा ना, उनसे पता करना पड़ेगा ना। रिटेन करने में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको रोस्टर रिजर्वेशन का इश्यू आ रहा है।
रिजर्वेशन इज अ बिग इशू। सब तो जनरल कैटेगरी के, क्योंकि सब आउटसाइड स्टेट के ज्यादातर हैं। तो मतलब जब पीआईपी बना उस वक्त ये मिस्टेक रह गया कि रिजर्वेशन का ख्याल बिना रखे हुए। पीआईपी में ये नहीं लिखा है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उनका रिक्रूटमेंट अभी नहीं हुआ हो। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसको, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसा भी होगा उसको पता चल जाएगा। इस प्रोग्राम के एक अधिकारी ने नाम छुपाने के शर्त पर हमें बताया कि वर्ल्ड बैंक भी चाहती है कि कम से कम मार्च 2021 तक इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिटर्न किया जाए, क्योंकि अचानक अगर इन कॉलेजेस में टीचर्स की कमी होती है तो TQ3 का पूरा मेहनत चौपट हो जाएगा। साथ ही NBA एक्रीडेशन, जिसके तहत इन कॉलेजेस की ग्रेडिंग की जाती है, वो भी खतरे में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने अपने बच्चे का भी एडमिशन यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल सेंट जोसेफ में करवाया, और अभी मेरा जो बेटा है हर्षित, उसका 10th का एग्जामिनेशन है, बोर्ड है, और इसमें वो कैसे एग्ज़ाम देगा, क्या करेगा, हम क्या करेंगे कुछ नहीं जान रहे हैं।